जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सेना और आतंकवादियों के बीच फायरिंग जारी है। देर रात से जारी मुठभेड़ में तीन से चार आतंकी होने की आशंका है। पूरे इलाके को सेना और स्पेशल फोर्स की 9 टीमों ने घेरा हुआ है। पिछले 24 घंटे से राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त लाइव मौजूद है। कोमल, ताजा स्थिति क्या है? जसप्रीत, देखिए, आप अभी भी सुन पा रहे हैं, 7 बजे से लगातार फायरिंग यहां पर चल रही है। एक पल के लिए भी दोनों तरफ से फायरिंग रुकी नहीं है। हालांकि रात 1:15 बजे ही फायरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन अभी फायरिंग रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि रात भर रुक रुक कर फायरिंग हुई, क्योंकि जब जब इस तरह के ऑल आउट ऑपरेशन होते हैं तब तब आतंकियों के साथ सेना को मुठभेड़ करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। जैसे ही हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो वैसे ही फायरिंग जो है वो 2 मिनट के बाद शुरू हो गई। और आप देखिए किस तरह से विजुअल्स में आपको आवाजें लाइव दिखा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ एट इन इंडिया पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग चल रही है और ये विजुअल सिर्फ हमारे पास है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग के साथ मुठभेड़ चल रही है और अब ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लग रहा है कि अब कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। 7 से 8 महीनों से जम्मू पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पे उन्होंने रैकी की, घर घर में जाकर उन्होंने लोगों की मदद ली। और उसके बाद आप देखिए कि आपने देखा होगा कि कैसे पहले राजौरी के डांगरी इलाके में वो सिविलियंस को मारते हैं और सिविलियंस के साथ वो सेना के जवानों को मारते हैं। बीजी में इतना बड़ा हमला होता है, सेना के वाहन पर 5 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। ऐसे में कल भी हमारे 5 जवान शहीद हुए। हमने बहुत बार बार हम कोशिश तो कर रहे हैं आगे जाकर ये तस्वीरें दिखाने की, लेकिन ये इतना घना जंगल, एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर ये अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। और ऐसे डेंस एरिया में आपने देखा कि बहुत मुश्किल हो जाता है सेना के लिए भी जाना। ऐसी सिचुएशन में आप लाइव तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग है। फायरिंग थमने का नाम नहीं दे रही। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी आपने देखा, जो मैंने विजुअल्स आपको भेजे उसमें भी हेलीकॉप्टर में भी आपने देखा कि कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए, मैं आपको माफ़ी चाहती हूँ, हेलीकॉप्टर में भी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ जो है, या आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी जो है वो यहाँ पर लैंड करेंगे कुछ ही देर में। और ये जो हेलीकॉप्टर बार बार 3 से 4 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर सर्च कर रहा है, हालांकि बेहद मुश्किल हो जाता है सर्च करना। लेकिन अंधाधुंध फायरिंग जो चल रही है, जसप्रीत, ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। हालांकि 8 से 9 आतंकी होने की यहाँ पर आशंका है और 2 से 3 ग्रुप है। हालांकि बड़े बड़े हाईकोर्ट को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी पिछले कुछ दिनों लोग हैं, देखे तो काफी मुठभेड़ हुई है। जिनसे जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई, इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर ए तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। ट्रैक रास्ता है ये गुलमर्ग से जाता है और गुलमर्ग में शायद G20 डेलीगेशन भी जा रहा है, कोई इम्पैक्ट? देखिए, G20 इवेंट के मद्देनज़र हमारी सारी फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट लेवल पे है। इसी अलर्टनेस की वजह से, इसी तैयारी की वजह से जो है जो भी इस इलाके में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में सस्पिशियस मूवमेंट्स हो रही है वो उनका हमें टाइमली पता चल। तो ये बारामूला, क्योंकि 2 जगह पर मुठभेड़ जारी है और बारामूला में एक आतंकी मारा गया है, ये जो आप आधिकारिक बयान सुन रहे थे 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तरफ राजौरी में मुठभेड़ जारी है, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 3 से 4 आतंकी होने की आशंका है। कोमल, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका।